Hello, welcome to our channel Gyan Niti Towards Success. Gyan Niti Towards Success channel में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. This is BK झा. मैं BK झा फिर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ. और हमने जो पिछले लेक्चर में नाउन एंड केसेस से रिलेटेड आपको फैक्ट्स बताए थे, उसको फर्दर फिर आगे बढ़ाते हुए आपको इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. आप सबको पहले भी हम बता चुके हैं कि नाउन एंड केसेस में जो एपोस्ट्रोफी यानी कि पॉजिटिव केस से संबंधित क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो उससे संबंधित कि एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं, तो कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं. आज हम बताएंगे इससे कुछ जुड़े हुए फैक्ट्स कि कहाँ हम इसका यूज करेंगे. आइए, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी जो है वो cannot be used on two continuous noun. एपोस्ट्रोफी दो continuous noun से पे हम नहीं यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे एक आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि मोहन्स वाइफ्स करियर. अब दो कंटिन्यूअस नाउन पे जब दोनों पर एपोस्ट्रोफी हो तब हम एक पे एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे और एक के लिए पॉजिटिव बताने के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे. तो दूसरे सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं, दूसरे सेंटेंस में आप देखिए कि हमने क्या देखा है, द करियर ऑफ मोहन्स वाइफ. तो मोहन्स वाइफ्स करियर में आप मोहन के ऊपर, यहां पर वाइफ के ऊपर से जो वाइफ के साथ जो एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है उसे हटा देंगे. और इसे एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए हम क्या करेंगे कि द करियर ऑफ मोहन्स वाइफ, यानी कि आप पहले सेंटेंस से ये बताना चाह रहे थे कि मोहन की पत्नी का करियर, और दूसरे तो ये गलत हो जाएगा कि दो कंटिन्यूअस नाउन पे हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे. और इसके लिए हम ऑफ का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द करियर ऑफ मोहन्स वाइफ. आइए दूसरे पे देखते हैं. एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड ऑन द लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन. अब कंपाउंड नाउन जो यहां, कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, दो तीन वर्ड से मिलकर जब एक नाउन फॉर्म होता है तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन. तो यहां पर सन्स इन लॉ जो है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आप देखिए कि his sons in law curry appointment. तो son in और law word जो last में है उसके ऊपर हम apostrophe का use करेंगे. और sons in law appointment जो है उसमें पहले पहला word जो इस compound noun है, compound means क्या होता है, दो तीन वर्ड मिल करके जब एक नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे लास्ट वाला जो वर्ड होगा उस पर हम रिलेशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे. अब आइए सी पार्ट में आप क्या देख रहे हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर्स. तो आप क्या देख रहे हैं, द गवर्नमेंट द
गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ऑफ इंडियाज। यहां पर क्या होगा, तीन शब्द है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहां पर अगर गवर्नमेंट में एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंड नाउन है और आपको हम बता चुके हैं कि एपोस्ट्रोफी एस जो यूज होता है कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड पे होता है, और यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लास्ट वर्ड जो है वो इंडिया है, तो यहां क्या हो जाएगा, इंडिया पे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो इस तरह क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर्स। आइए तीसरे में क्या देख रहे हैं, इफ नाउन इन एपोजिशन इज यूज्ड विथ एनी नाउन द एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विथ नाउन इन एपोजिशन। अब आप देखिए यहां पर क्या है, मोहन क्या देख रहे हैं, मोहन माय फ्रेंड्स फादर, पहले में मोहन नाउन है और आगे वाला जो माय फ्रेंड है, तो माय फ्रेंड पहले जो मोहन है उसको डिफाइन कर रहा है, तो ऐसा नाउन या ऐसा एक्सप्रेशन जो पहले बताए हुए नाउन को डिफाइन करता है उसे हम नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। तो आप समझ गए कि नाउन इन एपोजिशन क्या है, मोहन जो है वो नाउन है, माय फ्रेंड जो है वो नाउन इन एपोजिशन, माय फ्रेंड्स फादर, तो यहां पर नाउन इन एपोजिशन जो है वो मोहन को डिफाइन कर रहा है, माय फ्रेंड्स फादर, तो जब एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे तो नाउन इन एपोजिशन पर करेंगे। अब आइए बी पार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर माय फ्रेंड मोहन्स फादर, अब माय फ्रेंड को हम पहले ले आए हैं, तो यहां नाउन इन एपोजिशन जो है वो मोहन्स हो जाएगा, तो सेकंड वाला बी पार्ट में जो आप क्या देख रहे हैं, मोहन जो है वो क्या है, नाउन इन एपोजिशन है। तो नाउन, तो इस तरह हमने क्या देखा कि इफ नाउन इन एपोजिशन इज यूज्ड विथ एनी नाउन, तो नाउन इन एपोजिशन क्या होता है, फिर से समझ लीजिए, नाउन इन एपोजिशन होता है वह वर्ड जो नाउन को डिफाइन करता है उसे नाउन इन एपोजिशन कहते हैं, और पहला वाला पार्ट जो हो गया नाउन, दूसरा उसको डिफाइन करता है नाउन इन एपोजिशन, तो इसे अगर एपोस्ट्रोफी लगाना होगा, पोजिशन बताना होगा, तो नाउन इन एपोजिशन वाले वर्ड पे हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, जैसे मोहन नाउन हुआ, माय फ्रेंड्स फादर, तो माय फ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन इन एपोजिशन, रिलेशन बताने के लिए हम फ्रेंड्स पर एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। बी पार्ट में माय फ्रेंड जो है वो नाउन हो गया, और यहां पर आप क्या देखें, फ्रेंड और मोहन्स फादर, तो मोहन नाउन इन एपोजिशन हो गया। अब आइए इफ टू नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड, अगर कोई नाउन क्लोजली रिलेटेड है, अगर कोई नाउन क्लोजली रिलेटेड है तो क्या होता है, अगर कोई नाउन क्लोजली रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड का मतलब ये होगा कि यहां पर आप क्या देख रहे हो, तो अगर इफ टू नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड द एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद द लास्ट नाउन, कि अगर दो नाउन एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, तो राम एंड सीता सन्स, तो राम एंड सीता क्या है, इनके बच्चे, ये क्लोजली रिलेटेड है, राम हस्बैंड है, सीता वाइफ है, तो इनके जो बच्चे होंगे, तो बाद वाले नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, सीता पे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, तो जब कोई दो नाउन एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हो, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, तो इनके पोजीशन को बताने के लिए जो बाद वाला नाउन होगा उस पर
एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। अगर यहां पर हम लिखते हैं राम सेंस सीता संस तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं, दूसरे में आप देखिए मोहंस एंड सोहंस। अब क्या है, मोहंस है और दूसरा में क्या देख रहे हैं, सोहंस है। तो यहां पर मोहन अलग है और सोहन अलग है, इनके फ्रेंड भी अलग है। तो और ये दोनों एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो मोहंस एंड सोहंस फ्रेंड ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है, तब हम दोनों पे अलग अलग एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। मोहन के लिए अलग एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और सोहन के लिए अलग एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो फिर से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि इफ टू नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड द एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद द लास्ट नाउन। जब दो नाउन एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ हो, क्लोजली रिलेटेड हो, तो जो बाद वाला नाउन होगा उस पर हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। अगर दोनों नाउन क्लोजली रिलेटेड ना हो तो दोनों नाउन पर हम अलग अलग एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन प्लस एपोस्ट्रोफी का यूज हम करेंगे। तो यहां पर हमने क्या देखा, क्या देख रहे हैं कि इस में आप देखिए कि एवरीबडी के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज है और यहां पर नोबडी के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज है, क्योंकि यहां पर एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। जो सबका बिजनेस है वो किसी किसी का नहीं है, यानी किसी एक का नहीं, हम कह सकते हैं वो सबका हो जाता है। तो यहां पर दोनों पे हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट पे, एनीबडी, समबडी, अगर इनके बाद एल्स का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर इनके बाद एनीबडी, समबडी या नोबडी अगर ये जुड़ा है तो इनके बाद एपोस्ट्रोफी का यूज हम समबडी या एनीबडी पर नहीं करके हम किस पे करेंगे, या नोबडी पर नहीं करके जो एल्स होगा वो एल्स पे हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। अगर यहां पर करते हैं कि नोबडीज एल्स लिखते हैं, अगर यहां नोबडीज और एल्स लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नोबडी और एल्स जो है उसके बाद एपोस्ट्रोफी का हम यूज करेंगे। तो अगर नोबडी हो, समबडी हो, एनीबडी हो, इसके बाद एल्स का प्रयोग अगर नहीं होगा तो इसी पे लगा देंगे। अगर इसके बाद एल्स का अगर प्रयोग है तो नोबडी, समबडी, एनीबडी पर एपोस्ट्रोफी ना यूज करके हम एल्स पर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ईच अदर, वन अनदर प्लस एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज। अब आइडियाज तो आप एक चीज देख रहे हैं कि ईच अदर एक दूसरे का, तो ईच अदर के साथ तो क्या कहते हैं, हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे हर एक का। ईच मतलब प्रत्येक होता है, तो दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज, तो ईच अदर के साथ भी एपोस्ट्रोफी का यूज होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब क्या है, ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। आप स्ट्रक्चर को आप गौर कीजिए, स्ट्रक्चर को गौर कीजिएगा, क्या है स्ट्रक्चर, ए प्लस नाउन प्लस
a plus noun. The apostrophe is used with the last noun. A friend of my sisters. और दूसरे में क्या होता है, a house of Mohan's. तो वही कंपाउंड नाउन के तरह ही a friend of my sisters. तो a friend of my sisters में आप क्या देख रहे हैं कि a है प्लस friend है, नाउन हो गया. तो क्या हो गया a हुआ प्लस क्या है, friend है, ये नाउन हो गया, प्लस ऑफ है, प्लस नाउन है, प्लस क्या है, नाउन है. तो इसमें क्या है, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम कहां करते हैं, हम लास्ट नाउन पे एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं. अ हाउस ऑफ मोहन्स, तो अ हाउस ऑफ मोहन्स में हम क्या देख रहे हैं कि जो लास्ट वाला वर्ड है उस पर हम जो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ए हाउस ऑफ मोहन्स. तो हाउस और मोहन के बीच रिलेशन के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे और ए हाउस ऑफ मोहन का एक घर. तो इस तरह क्या देखते हैं, अगर स्ट्रक्चर है ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो यहां पर क्या होता है, लास्ट नाउन जो होगा उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे. अब आइए इस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर लेते हैं. अब क्या है, आई फॉलो योर सजेशंस एंड नोबडीज एल्स. आप यहां पर क्या देख रहे हैं, नोबडी और एल्स जो है यहां पर एपोस्ट्रोफी एल्स पर लगेगा ना कि नोबडी पर. हम आपको बता रहे हैं कि अगर नोबडी के बाद एल्स का प्रयोग नहीं होता तब नोबडी पर आप एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, लेकिन अगर नोबडी के बाद एल्स का प्रयोग है तो एपोस्ट्रोफी जो है वह नोबडी पर ना लग करके ये क्या देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन ये मिस्टेक है, ये गलत है, नोबडी पर एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, एल्स पे लगेगा. तो अगर किसी क्वेश्चन में नोबडी के बाद समबडी नोबडी एनीबडी के बाद एल्स का प्रयोग है तो somebody, nobody, anybody के बाद एपोस्ट्रोफी का प्रयोग ना करके लास्ट वाला वर्ड जो else है उस पर हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे. हाँ, तो क्या देख रहे हैं हम यू क्वेश्चन में, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन somebody else. तो क्या देख रहे हैं, समबडी, और हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि अगर यहां पर क्या होगा कि एल्स है तो एल्स के बाद हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, यानी कि एल्स जो है यहां पर हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे. समबडी एल्स, अगर somebody है तो somebody के बाद अगर else का प्रयोग है, nobody है, nobody के बाद अगर else का प्रयोग है तो वहां पर हम apostrophe का प्रयोग करेंगे. तो इस तरह you know it well that your success in life depends not on my advice but on somebody else. तो आप else पे apostrophe लगा देंगे, और जो कि इस क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी पार्ट है. तो डी इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई विजिटेड जॉन्स एंड नैन्सीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट. तो आप क्या देख रहे हैं
जॉन्स एंड नैन्सीज, दो वर्ड है यहां, क्या है? जॉन्स एंड नैन्सीज। अब नैन्सीज, आई विजिटेड जॉन्स एंड नैन्सीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल। द वर्ड कपल जो है यह बताता है कि दोनों वाइफ हस्बैंड हैं, तो क्या होगा? दोनों क्या हैं? दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। हम आपको बता दिए कि दोनों क्लोजली रिलेटेड है, तो जब क्लोजली रिलेटेड कोई होता है तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं, तो जब कोई नाउन क्लोजली रिलेटेड हो, क्लोजली रिलेटेड होता है तो इस तरह हम क्या देखते हैं, क्लोजली रिलेटेड अगर है तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि उसके लिए जो बाद वाला नाउन होगा, बाद वाला नाउन, पहले वाले नाउन पे हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे, बाद वाले नाउन के साथ हम यहां पर जॉन्स एंड नैन्सीज, तो जॉन्स पर से हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी हटा देंगे और क्या हो जाएगा, जॉन एंड नैन्सीज हाउस हो जाएगा। तो जॉन पर से एपोस्ट्रोफी हटा देंगे और नैन्सी पे एपोस्ट्रोफी रहेगा। इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। आपको लगेगा टन और वेट ये नॉन लिविंग है, बट हम बता दिए हैं कि बताए हुए हैं पिछली क्लास में कि वेट इंडिकेटिंग वर्ड्स है। अगर वेट इंडिकेटिंग कोई वर्ड्स है, अगर टन्स वेट, ग्राम्स वेट, अगर टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन पहले भी, तो हम पहले भी बता चुके हैं पिछली क्लास में कि वेट इंडिकेटिंग वर्ड जो होगा उस पर एपोस्ट्रोफी का यूज होता है। तो इस तरह अगर टन्स वेट, यहां क्या है, टन्स और क्या है, टन्स वेट, तो टन्स वेट यहां पर आप क्या देख रहे हैं, वेट और वेट लगा हुआ है, तो यहां पर टन्स पे एपोस्ट्रोफी का यूज होगा। तो टेंस पे क्या होगा, एपोस्ट्रोफी का यूज होगा। तो टेंस वेट ये सही है, ऑल्दो इट इज नॉन लिविंग, लेकिन एक्सेप्शन है जो कि पिछले क्लास में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अ टेंस वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि एपोस्ट्रोफी का यूज सही है, टन के बाद वेट है। अगर टन के बाद वेट का प्रयोग होगा तो टन पे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन का जो हम क्या देख रहे हैं, ये ई पार्ट करेक्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। अब आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे हम देखते हैं। अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। आपको यहां पर दो प्रॉपर नाउन है, एक अमेरिका है और दूसरा इंडिया है। अब आप एक चीज गौर कीजिएगा कि यहां पर अमेरिका पर एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि इंडिया जो लिखा हुआ है इस पर भी आप एपोस्ट्रोफी का प्रयोग
करेंगे, क्यों करेंगे वो आप समझ लीजिए. अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर, यहां पर अमेरिका का कंपैरिजन इंडिया से नहीं हो रहा है. गौर कीजिएगा, अगर हम ऐसा करते हैं कि अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया, तो लगेगा कि अमेरिका का प्रॉब्लम की तुलना देश से हो रही है, इंडिया से हो रहा है. यहां पर अमेरिकाज प्रॉब्लम है, तो अमेरिकाज प्रॉब्लम है तो उसी तरह का अमेरिकाज प्रॉब्लम की तुलना हम क्या कह रहे हैं, इंडिया की प्रॉब्लम से कर रहे हैं. तो इंडिया पर आप एपोस्ट्रॉफी लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज. एज इंडियाज का क्या मतलब होगा कि इंडिया के प्रॉब्लम यानी अमेरिका का प्रॉब्लम की तुलना इंडिया के प्रॉब्लम से हो रही है. तो अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज. इंडियाज हो जाएगा तो प्रॉब्लम की तुलना प्रॉब्लम से हो रही है. अब मिस्टेक क्या है इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम्स की तुलना कंट्री से है, इसलिए डी पार्ट में इंडिया के बाद एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा. तो इस तरह आप क्या देख रहे हैं कि इसका हमेशा एक चीज याद रखिए कि किसकी तुलना किससे की जा रही है. कंट्री के प्रॉब्लम की तुलना कंट्री के प्रॉब्लम से होगी, ना कि कंट्री से. तो इस तरह हमने क्या देखा कुछ क्वेश्चंस में हमने ये देखा कि एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कहां कहां करेंगे और कहां कहां नहीं करेंगे. तो इस तरह नाउन एंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसे मैंने डिस्कस किया. और आप सब अपना व्यू दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस. गुड बाय.